मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद, दंत रोग से संबंधित चौथे वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह दंत रोग से संबंधित मैंने जितना जो कुछ भी उपाय बताया है या जो कुछ भी रेमेडीज बताए हैं, वो जरूरी रेमेडीज ही बताता हूं। होम्योपैथिक के सारे सारे दवा बताना उतना संभव नहीं है, लेकिन उतना बताने के बाद भी, तीन वीडियो बनाए हैं, तीन वीडियो में बताने के बाद भी बहुत कुछ जरूरी दवाएं हैं, हमें लगा कि और बताना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मैं जो जरूरी है, जो दांत दर्द से बिल्कुल जरूरी है, जिसको आप आसानी से देख समझ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, मैं उसी दवा को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। वैसे होम्योपैथ तो समुद्र है, आप इसमें जितना गोता लगाएंगे ना, उतना नया चीज पाएंगे। जितना बार आप वीडियो देखेंगे, जितना बार इसमें आप जानने की कोशिश करेंगे इससे, उतनी बार इससे जो है नया से नया चीज आपको मिलेगा। क्योंकि जिस उद्देश्य से आप इस वीडियो को देखेंगे, जिस बीमारी का ख्याल से इस वीडियो को देखेंगे, आपकी नजर उसी पर रहेगी, आपका ध्यान अटेंशन उसी पर रहेगा और आप उसी बीमारी को देखेंगे। फिर नया दूसरी बार जब दूसरी व्यू से देखेंगे तो फिर दूसरा ढंग से आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए आप बार बार इस वीडियो को देखिए और उसमें से जितने भी आपका लक्षण, दांतों से संबंधित लक्षण है, लगभग इसमें बहुत ज्यादा दांतों का लक्षण मैंने सम्मिलित किया है और आपको इसमें आपके जो परेशानी है, रोग है, उससे संबंधित दवाएं निश्चित रूप से मिल जाएंगी। दोस्तों, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो कैमोमिला के संबंध में बात कर रहा हूँ। कैमोमिला होम्योपैथिक की एक अच्छी दवा है और उसका दांत रोगों पर बहुत ही अच्छा गहरा माने उपयोग होता है। इसका बहुत ही गहरा संबंध है और दांत रोग को बहुत ही गहराई से ये दूर करता है। इसलिए कैमोमिला के संबंध में मैं बता रहा हूँ कि कैमोमिला जो है वह दांत दर्द की अहम दवा है। इसमें इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है कि गर्म कमरे में जाएं, जब बिछावन गर्म होने लगे या कोई भी चीज जिससे शरीर को गर्मी मिले, उससे दांत का रोग जो है इससे बढ़ जाता है। दांत का रोग ये जो है तो बढ़ा देता है। और इसका दांत का रोग जो होता है ना, वो दिन में नहीं होता है, वो अक्सर रात में होता है। ज्यों ही रात होती है और रोगी बिछावन पर जाता है, ज्यों ही बिछावन पर वह गर्माता है, तो उसके दांतों में जो है सो गोली मारने की तरह, फाड़ने की तरह दर्द पैदा हो जाता है। और इसके साथ ही रोगी जो है वह चिड़चिड़ा भी हो जाता है। इसमें मसूड़े में पर्दा और सूजन भी रहता है, मसूड़े में फोड़ा हो जाने की संभावना भी बनी रहती है। इसका दर्द जो है वह ठंडी चीज खाने पर या ठंडी चीज पीने पर इसका दर्द जो है वह घटने लगता है, घटता है। ठंडी हवा के झोंका लगने पर भी दर्द घटता है। और यह लक्षण रहने पर, अगर आप मान लीजिए कि गर्मी लगने, गर्म चीज खाने पर, गर्म पेय पीने पर आपको दर्द बढ़ जाता हो, रात में दर्द बढ़ जाता हो, दिन में दर्द बहुत कम होता हो, तो आप क्या करेंगे? यह लक्षण रहने पर कैमोमिला 200 ले आए और कैमोमिला 200 को सुबह शाम दो दो बूंद लें, देखेंगे ये लक्षण धीरे धीरे ठीक हो रहा है। दोस्तों, अब जो मैं दूसरा दवाई बता रहा हूँ वह कैमोमिला से ही मिलता जुलता दवाई है। इसका ही लक्षण उसी ढंग का है, लेकिन थोड़ा अंतर है। अब देख लें, यही थोड़ा मोड़ा अंतर जो है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल दवा रेमेडीज बनाता है कि कौन सही रेमेडी है, यही बनाता है। यही थोड़ा मोड़ा अंतर, आप देखेंगे क्या अंतर है इसमें। अब देखिए, दूसरा दवा जो मैं बता रहा हूँ वह क्लेमेटिस इरिटिका का है। क्लेमेटिस इरिटिका होम्योपैथी की एक अच्छी दवा है। इसमें भी क्या होता है, ये कैमोमिला के लक्षण में थोड़ा अंतर है। इसका भी दांत दर्द जो है वह गर्मी से बढ़ जाता है, बिछावन की गर्मी से बढ़ जाता है। इसका भी दांत दर्द जो है वह रात में ही पैदा होता है। मुंह में कोई गर्म चीज रखने पर दांत दर्द जो है वह बढ़ता है। और ठंडा पानी, ठंडा पेय अगर आप लेते हैं, ठंडा हवा का झोंका लगता है, इसके दांत दर्द भी जो है वह घट जाते हैं। लेकिन बिछावन की गर्मी के से यह बदतर हो जाता है। और इसका दर्द जो होता है वह दिन में भी होता है, लेकिन दिन में इसका दांत का दर्द जो है वह सहने लायक होता है, आप सह सकते हैं। लेकिन रात में जो है यह दांत का दर्द जो है वह सहने लायक नहीं होता, बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसका दांत का दर्द जो होता है वह दांत का दर्द जो है तो खींचने और छेदने के समान होता है। जैसा लगता है दांत को कोई खींच रहा है या दांत में कोई चुभो रहा है, पिंच हो रहा है, इस ढंग का इसका दर्द होता है। अगर इस ढंग का दर्द हो कि दिन में दर्द होता हो लेकिन सहने लायक होता हो, रात में दर्द होता हो,
और सह दर्द हो जाता हो, जिसका दर्द जो है तो खींचने या चुभने, सुई चुभने के समान दर्द होता हो, तो आप क्लेमेटिस इरिटिका, ले लेंगे और इसका जो है सुबह शाम दो दो बूंद आप उपयोग करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये दांत का दर्द जो है वह धीरे धीरे जाता रहा, आपका दांत का दर्द जो है तो धीरे धीरे यह ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब जो हम बात करते हैं वह हेकला लावा भी दांत के दर्द में एक अहम भूमिका निभाती है। हेकला लावा दांत के दर्दों को ठीक करती है। इसका क्या संबंध है, इसमें क्या क्या लक्षण है? इसमें मसूढ़ा में जो है वो फोड़ा, घाव, नासूर, दांतों के चारों ओर सूजन के साथ दांतों में शूल दर्द होता है। दांत उखरवाने के बाद अगर आप दांत उखरवाने के बाद अगर वहां कुछ दांतों के अंश रह जाता हो, जिसके वजह से तकलीफ दी शिकायत पैदा हो जाता होता हो, और ये हेकला लावा है बच्चों के दांतों के रोग में भी अच्छा काम करता है। हेकला लावा का एक ये गुण यह भी है कि इसका दांत जो है जब दर्द होता है तो लगता है कि दांत बड़ा हो गया, दांत बढ़ गया, दांत लंबा हो गया। अगर इस ढंग का लक्षण आपको मिले तो आप क्या करेंगे, हेकला लावा 200 ले आए और उसे सुबह, दोपहर और शाम दें। आप एक बच्चे हैं तो 30 नंबर ले आए और 30 नंबर सुबह, दोपहर, शाम दें। ज्ञान है तो 200 ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं। इस तरह से आप दवा लें, आपका दांत का दर्द जो है वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब जो हम बात करते हैं वह दांत के दर्द में कैली कार्बोनिकम भी दांत के दर्द में अहम भूमिका निभाती है। इसमें क्या लक्षण है, इसमें दांत जो है वह मसूढ़ों से अलग होना चाहता है, माने मसूढ़ा जो है ना वह दांत को छोड़ देना चाहता है। दांत बहुत हिलता है, लगता है कि अब दांत जो है निकल जाएगा, गिर जाएगा। दांत का क्षय भी होता है इसमें दांत जो है वह धीरे धीरे लगता है कि दांत गल रहा है, दांत जो है यह दुबला हो रहा है, पतला हो रहा है, दांत पीला भी हो जाता है। और झोंक की ठंडी हवा या किसी सवारी करने के दौरान जो है इसमें दांत का दर्द जो है वो बढ़ जाता है। आप ठंडी हवा लग गया या कोई सवारी किए इसे भी दांत का दर्द बढ़ जाता है। इसका दांत जो है स्वस्थ रहता है, आपका दांत लगेगा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो भी दांत में जो है वह दर्द रहता है। इसमें सुई गरने, फाड़ने, छेदने की तरह दांत का दर्द पैदा होता है। और इसमें कैलीकार्बोनिकम में मुंह से जो है ना, दांतों से जो है ना बदबूदार गंध आता है। और मसूढ़ा में फोड़ा होने से इससे पीप भी जो है इसके मसूढ़े से निकलता है। इसमें जख्म होता है मुंह में, धीरे धीरे जख्मी भी हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर इस ढंग का लक्षण हो, बदबूदार हो, पीव निकलता हो और दांत का दर्द जो है वह झोंकों से, हवा के ठंडी झोंकों से बढ़ जाता हो, दांत बिल्कुल स्वस्थ स्वस्थ दिखता हो, अगर इस तरह का लक्षण आपको मिले तो आप कैली कार्बोनिकम जो है वह 200 ले आए और सुबह शाम उसे दें। इस तरह का जो परेशानी आपको दांत के संबंध में है, दांत से संबंधित है, यह धीरे धीरे परेशानी आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों अब जो है हम एक दवा लेग कैनाइनम का भी बहुत छोटा लक्षण है लेकिन अच्छा है और एक अलग ढंग का लक्षण है, ऐसा लक्षण सब दवा में नहीं मिलता है, मैं बता रहा हूँ कि लेग कैनाइनम का दांत पर क्या रोल है। इसका जो है दांत जो है सबसे इसका अलग होता है, इसका लक्षण बिल्कुल अलग होता है। इसका मुंह जो है वो बदबूदार होता है और दांत का शैलेश्मिक झिल्ली होता है और दांत पर जो फुंसी की तरह जो है चमकीला चांदी की तरह पदार्थ जमा होता है इसके दांतों पर। लेग कैनाइनम में ये जो है दांत पर जो है सो चमकीला चांदी की तरह जो है सो फुंसी की तरह जमा होता है और ये बहुत कुछ जो है ना ये दूध की तरह भी दिखता है। अगर दांत पर शैलेश्मिक झिल्ली हो, दांत पर फुंसी की तरह चांदी की तरह चमकीला पदार्थ जमा हो या दूध की तरह भी अगर दिखता हो, अगर इस तरह का लक्षण हो तो आप लेग कैनाइनम 200 ले आए और लेग कैनाइनम 200 जो है उसे सुबह शाम आप दें। दांतों का इस तरह का लक्षण जो है वह धीरे धीरे गायब हो जाएगा, यह दांत आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप जो मैं बता रहा हूँ वह मैग्नेशिया कार्ब जो है
व दांतों के दर्द में बहुत ही उपयोगी है। मैग्नीशिया कार्ब वैसे स्त्रियों के लिए जो गर्भवती हैं, और गर्भवती के समय में अगर दांतों का दर्द होता है ना, तो उसमें मैग्नीशिया कार्ब अच्छा काम करता है। या वैसी स्त्रियां जिन्हें पीरियड आते हैं, पीरियड आने से पहले अगर दांतों का दर्द हो जाता है, उसमें भी यह मैग्नीशिया कार्ब अच्छा काम करता है। या पीरियड जाने के बाद अगर दांतों में दर्द आ जाता है कुछ ऐसी महिलाओं को, तो उसमें भी यह मतलब मैग्नीशिया कार्ब दांतों के दर्द में अच्छा काम करता है। और इसमें वैसे ऋतु प्रत्येक ऋतु पर परिवर्तन के काल के बाद दांत की जड़ में जो है तो बहुत दर्द भर जाता है, दर्द हो जाता है, जलन होती है और धक्का देने की तरह दर्द होता है, जैसे दांत में कोई धक्का दे रहा है, इस तरह से दर्द होती है और लगातार यंत्रणा हुआ करती है। ऐसा नहीं कि आता जाता है, इसका यंत्रणा जो है, इसका दर्द जो है वह लगातार होता है। चेहरे के बाईं ओर हारने की तरह दर्द हो जाता है। यद्यपि दांत का जड़ जो है एकदम सुदृढ़ रहता है, अच्छा रहता है, कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन तो भी इसमें जो है इस तरह का दर्द रहता है। इसका दांत अगर खोखला, अमूमन अगर खोखला दांत हो तो स्पर्श सहिष्णु रहता है या उसको छूने से बहुत ज्यादा दर्द होता है। आप इसको छू नहीं सकते हैं, छूने के बाद है या बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और जब इस तरह का दर्द होगा तो सुदृढ़ दांत होते हुए भी आप दांत से कुछ काट नहीं सकते, काटने पर जो है वह दांत में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसका दांत भी लंबे मालूम होते हैं, अनुभव होंगे कि मेरा दांत जो है वह लंबा हो गया। अगर इस तरह का लक्षण आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, मैग्नीशिया कार्ब 200 ले आए, और ये 200 मैग्नीशिया कार्ब सुबह शाम जो है आप लें। इस तरह का लक्षण जो है धीरे धीरे दांत का दर्द का इस तरह का लक्षण धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दोस्तों, दांत के दर्द में मार्क सॉल भी एक अहम रोल है, और इसका दांत का दर्द जो है वह ठीक होता है। इसमें मसूड़ों को भी ठीक करने का गुण होता है। तो मुंह के बहुत सारे जख्म जो है वह मार्क सॉल से ठीक होते हैं। तो अब हम बताएंगे मार्क सॉल के दांत के रोगों पर क्या रोल है, इसका क्या लक्षण है। दोस्तों, इसमें मसूड़ा जो है वह जख्मों से भरा होता है। इसमें मसूड़ा के चारों ओर जो है जख्म रहता है, इसमें मवाद निकलते रहता है और दांतों का ढीलापन रहता है। दांत जो है वह काले होते हैं और मैले दिखाई पड़ते हैं। इसमें हरेक दांतों में दर्द होता है, किसी खास दांतों में नहीं, मार्क सॉल के हरेक दांतों में दर्द होता है। और खास करके वो जिसमें जो रोगी पारद का उपयोग ज्यादा करते हैं या गठिया ग्रस्त रहते हैं, जिसको गठिया की बीमारी रहती है, उनको ये इस प्रकार का दर्द अधिक होता है। और अगर बच्चे को होता है तो बच्चे के मुंह से लार बहता है और दांत काला अधिक क्षय होने वाला होता है। इसमें मसूड़ों का किनारा जो है वह लाल या बैगनी रंग का हो जाता है। मसूड़ा में छेद छेद रहता है और उसमें सहजता से खून बह जाता है। जब कभी आप ब्रश करेंगे, दतमन करेंगे, दातुन करेंगे या कोई कराची अगर काटना पड़ गया, जब ये मसूड़ा में कुछ लग गया तो उससे दांतों का दर्द जो है वह हो जाता है। और इसके दांत में जब सभी दांतों में दर्द होता है, चबाया नहीं जाता है, चबाने में बहुत दिक्कत होती है, किसी चीज को आप चबा नहीं सकते हैं। इसके मसूड़ों में फोड़ा होने की भी संभावना रहती है, फोड़ा तो होती ही रहती है, अभी पहले में बता चुका हूँ। अगर इस तरह का लक्षण हो कि फोड़ा हो, सभी दांतों में दर्द होता हो और दांत से चबाया नहीं जाता हो, मुंह में और जख्म हो, लार बहता हो, अगर इस तरह का लक्षण है तो आप मार्क सॉल 200 ले आए और इसे सुबह शाम आप दें। देखेंगे कि दांतों का दर्द, मुंह में जिस प्रकार का जख्म है वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वह ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब जो मैं बता रहा हूँ वह फास्फोरस दांतों के दर्द में भी एक अच्छा काम रोल रहता है और वह दांतों का दर्द जो है वह ठीक करता है। फास्फोरस में क्या होता है, इसमें दांतों से झटका देने या फाड़ने की तरह दर्द होता है। जैसे झटके में दर्द आ गया, फाड़ने की तरह दर्द आ गया, इसका दर्द का लक्षण यह रहता है। और दांत का दर्द अक्सर गर्मी से घटता है, ये इसके दांत का दर्द जो है वह गर्मी से घटता है। और पर सर्द, इसमें देखिए दांत का दर्द गर्मी से घटता है, लेकिन इसी का अगर सर का दर्द होगा तो वह ठंडी से घटेगा। बोलने भोजन के समय या भोजन के बाद दांत का दर्द जो है वह बदतर हो जाता है। और दांत उखरवाने के बाद अगर लाल चमकीला रक्त अगर प्रवाहित होता है, उसमें भी यह अच्छा काम करता है।
और जीभ इसका फूला हुआ रहता है, बोलने में भी तकलीफ होती है। और जब ये यह अगर गर्मी से इसका दांत दर्द अगर घटता है तो इसमें जो है तो ठंडी से ठंडी लगने के बाद सर दर्द भले घटता हो लेकिन दांत का दर्द बढ़ जाता है। अगर इस तरह का लक्षण आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आप फास्फोरस 200 ले आए और फास्फोरस 200 सुबह शाम आप दें। देखेंगे दांत उखाड़ने के बाद अगर उसमें लाल चमकीला खून बनता है वो भी ठीक हो जाएगा, दांत का दर्द वैसा दर्द जो गर्मी से बढ़ता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आप फास्फोरस सुबह शाम कुछ दिन तक उपयोग करें। दोस्तों क्रियोझोटा अक्सर छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो छोटा बच्चा जो कुछ मीठा चीज खा करके दांत अक्सर साफ नहीं कर पाता है, उसके बड़े गार्जियन लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, कीड़े खा जाते हैं, लगता है कीड़ा लग गया है। अगर इस तरह का बच्चा हो जिसमें दांत के में कीड़े लग गए हों, उसमें दर्द हो, तो आप क्रियोझोटम 30 नंबर लेकर के सुबह दोपहर शाम बच्चे को दें। और जब कभी दांत में दर्द हो जाए तो क्रियोझोटम क्यू आप रुई में लगा करके उस दांत दर्द वाले जगह पर आप रख देंगे तो उससे भी दांत दर्द ठीक हो जाएगा और जिस कीड़े दांत में कीड़े लग गए हैं वह कीड़ा भी वहीं पर रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अब काली फौस के संबंध में बताते हैं। काली फौस जो है वह दांत के रोगों में जिससे मुंह में बदबू आती है उसके संबंध में यह बहुत अच्छा काम करता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिसके देखते होंगे बात करते करते उसके मुंह से बदबू आने लगती है, उसका जो सांस चलता है मुंह से हवा निकलती है उससे उसमें बदबू रहता है। इस सब बदबू का कारण जो है इन स्थानों पर दांत के मसूड़ों पर यान तंतुओं उत्तकों का जो है ना वह सूख जाना होता है, उत्तक सूख जाता है। उत्तक सूख जाता है मतलब वहां पर जो है ना ब्लड का संचरण खून का संचरण सही ढंग से नहीं हो पाता है। अगर खून का संचरण नहीं हो पाएगा तो वहां का ज्ञान तत्व सूज है वह क्या होंगे, जैसे मरने लगते हैं। अगर मरते हैं तो सड़ते भी होंगे, सड़ते हैं तो उससे क्या होता है बदबू आता है और बदबू मुंह से निकलने लगता है। ऐसी अवस्था में जहां मुंह से बदबू निकलता हो, मुंह से खून आता हो, अगर इस तरह का लक्षण आपको अगर दिखाई पड़े तो आप क्या करेंगे, कैलिफॉस, आप कैलिफॉस 200 या कैलिफॉस 6x 12x लेकर के आप उसे सुबह शाम खिलाएं। अगर खिलाएंगे तो दांत का ये मुंह से जो बदबू आता है वो ठीक हो जाएगा। इसके ज्ञान तंतु जो है टिश्यू जो है इसमें जहाँ पर खून का संचरण नहीं होता है ना वो खून के संचरण को ये ठीक कर देंगे और जब ये खून का संचरण ठीक होगा टिश्यू वहाँ का टिश्यू ठीक होंगे तो मुंह से बदबू आना धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों दांतों में लोग कहते हैं पैरिया, अगर आपको पैरिया हो जाए तो पैरिया में होम्योपैथिक की दवा है इमिटिनम, आप इमिटिनम 3x या 30 नंबर आप ले आए और उसे जो है सुबह दोपहर शाम लें। इमिटिनम 3x या 30 नंबर ले आए और सुबह दोपहर शाम लें, ये लंबा लेना पड़ेगा तो आपके दांतों में जो पैरिया है ना वह पैरिया धीरे धीरे। दोस्तों दांत रोग से संबंधित लगभग जो मेरे जानकारी में जितनी दवाई थी जो जरूरी दवाई थी जिस आमतौर पर जिसे दांत का दर्द हो जाता है, दांत की बीमारियां हो जाती हैं, मुंह का बीमारियां हो जाती हैं, मुंह से बदबू आते हैं, मैंने लगभग कोशिश किया कि सारी जितने मेरे जानकारी में है सारी दवाओं को आपको जानकारी दे देना और मैंने जानकारी देने का भरसक प्रयास किया। भैया मेरा कितना प्रयास सफल रहा ये तो आप ही बताएंगे। तो मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे जो ये चार वीडियो हो गए, चौथे वीडियो ही हैं, चौथे वीडियो जो है हो गए और ये दांत रोगों से संबंधित ये मेरा अंतिम वीडियो है, तो आप इस वीडियो को देखें और इसे लाभ उठाएं। धन्यवाद।